खंडवा जंक्शन के दौरे पर आए रेलवे पुलिस अधीक्षक ने अपराध को रोकने को लेकर जनसंवाद बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने थाना प्रभारी, रेलवे वेंडर, रेलवे सुरक्षा समिति, प्लेटफॉर्म पर दुकान संचालित करने वाले सहित आम लोगों की समस्या जानी और उनसे सुझाव मांगे। जीआरपी पुलिस अधीक्षक भोपाल हितेश चौधरी खंडवा जंक्शन पर पहुंचकर थाना प्रभारियों, रेलवे पुलिस फोर्स और जीआरपी पुलिस को आपसी सामंजस्य से अपराधों को रोकने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने अवैध वेंडरों, नशे का कारोबार करने वालों सहित बच्चों से भीख मंगवाने वालों पर जीआरपी थाना प्रभारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के उद्देश्य से आउटर पर हाई मास्क और कैमरा लगाने की पहल करने की भी बात कही। देखिए, आज खंडवा रेलवे स्टेशन पर मेरा आगमन हुआ है। मुख्य उद्देश्य यही था कि रेलवे स्टेशन खंडवा पर ट्रेनों में जनता की सुरक्षा और सुविधा किस स्तर की और क्या उसमें बेहतर किया जा सकता है। कुछ चीज़ें पता चली कि अवैध वेंडरी की यहाँ काफ़ी समस्या खंडवा, बुरहानपुर, भुसावल तक रहती है। उस पर कार्रवाई भी की गई है, पर अति और ज़्यादा कार्रवाई की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, तो वो एक कमी थी जिसको हमें सुधार करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छे सुझाव यह भी आए थे कि आउटर पर हाई मास लाइट, सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए और ज़्यादा अधिक कैमरे स्टेशन और बाहर लगाने चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था सुधार करनी चाहिए। तो उसके लिए हम हायर लेवल पर रेलवे से भी संवाद करते हुए इसमें कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। देखें, ये एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पिछले एक साल में हमने महिला संवाद अभियान चलाया था, जिसमें 66,000 महिलाओं से पूरे मध्य प्रदेश में जीआरपी ने संवाद स्थापित किया था। साथ ही हमने जीआरपी एमपी हेल्प ऐप लॉन्च की थी 2022 में नए स्वरूप में। उसमें यात्रियों को यह सुविधा है कि आप चलते हुए SOS बटन का उपयोग कर सकते हैं इमरजेंसी में, चलती ट्रेन में ही आपको FIR मिलेगी, जो एक बड़ी सफलता मैं अपने आप में मानता हूँ। पिछले साल लगभग 353 FIR चलती ट्रेन में हमने यात्रा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।